ओ माय गॉड, प्री वेडिंग शूट नहीं हो रहा है, चलो दो बच्चे हैं आपके बड़े बड़े, चलो। ये है हमारे कुलदेवते का टेंपल, जहाँ पे एक शिवलिंग खुद से स्थापित हुई है, दूसरी स्थापित की गई है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये सामने मम्मा का मायका है परशुराम जी को, जहाँ पे हम लोग उधर भी हम लोग नसराम में ज़रूर डालते हैं। और शिव जी के सावन के पहले दिन के दर्शन करके हम लोग चल दिए वापस अपने घर की तरफ। तो हम लोग चले हैं शिवा से सुनोग की तरफ। ये तैमला है। टोटल बच्चे मेरे, कब होगा तू बड़ा? मैं सुबह बड़ा हो जाएगा। हाँ? सुबह बड़ा हो जाएगा तू। चलो हम लोग सुबह से सुबह 7 बजे से गए थे पहले ऊपर वाले मंदिर, फिर नीचे वाले मंदिर। अभी 10 बज गए, मतलब 9 बजे से मेरे 10,000 steps हो चुके थे, तो इतना जो स्वेट आया है। अभी मैं जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, नहाती हूँ और फिर थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। क्यों मोक्षत, है ना तूने करी नहीं? नहीं हाँ? चल झूठा। चलो बुई नहीं नहीं करके आएगी, ठीक है बाय। क्या कर दू, फोन दे दो। फोन चाहिए? नो क्या करोगे फोन से? फोटो खींचूंगा। नहीं आप गेम खेलोगे। बाय। गेम चला दो। गेम नहीं चलती। और यहाँ पे मेरी नानी हरियाल्टी का एक बहुत ही स्पेशल सॉन्ग सुनाने जा रही है, ध्यान से सुनना। ओ रे रे ओ रे रे तो भी मोनो रे मोनो रे क्यों आपको बुरा लगेगा मेरे बिना? कोई बात नहीं, आप मुझे मिस करना, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। और मेरी नानी ने 3-4 बार मुझसे पूछा चलो 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 हमारे साथ चलो भी, लेकिन मुझे तो अपने सैटरडे संडे का यूज़ करना था, ठंडे में रहना था, बाकी गर्मी में, तो मैं रुक गई, मम्मी पापा को छोड़ दिया। हाय, हमने मम्मी को बाय कर दिया, अब हम यहीं रहेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लकड़ी का घर एक्चुअल में इनसाइड से कैसे दिखता है। तो अंदर से एक छोटा सा पैसेज होता है, जिसके थ्रू जाने के बाद आपको एक छोटा सा दरवाज़ा दिखता है। ये दरवाज़ा छोटा, अब मुझे नहीं पता क्यों होता है, बट जब भी अंदर जाना है तो आपको झुक के ही अंदर जाना पड़ेगा, बिकॉज साइड से छोटा रहेगा। और जैसे ही आप अंदर एंटर कर रहे हो, जितना भी आपको पूरा घर दिख रहा है, ये सारा वुड से बना है, दिस इज़ ऑल वुडन, जिस पे ग्लॉसी पेंट हुआ है, जो आप पेंट देख सकते हैं, दिस इज़ ग्लॉसी पेंट, ताकि वुड ख़राब ना हो। पूरे घर में पेंट होगा अंदर से ग्लॉसी, सिवाय जो उसका बेस नीचे रहता है, फ्लोरिंग वैसी की वैसी रहती है, मेड़ को लिंबा जाता है हर 6 मंथ्स में, बाकी पूरा का पूरा जो घर है वुड का, उसमें ग्लॉसी पेंट किया गया। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं अलमीराज छोटी छोटी, इसको कुठारी बोलते हैं। सो कुठारी में क्या होता है, जैसे कि ऊपर जो वाली ऊपर वाली अलमीरा है, उसमें सामान रखा जाता है, और नीचे अनाज। छत को भी ग्लॉसी पेंट से पेंट किया है, सिर्फ नीचे का पेंट नहीं रहता है, बाकी छत भी नहीं तो ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए उसको भी ग्लॉसी पेंट से पेंट किया है। जो आप नीचे देख रहे हैं, ये सेम ऐसा वुड है जिसके ऊपर हमने रेड मैट बिछाया है, ताकि वो और ज़्यादा गर्म रहे, बिकॉज रात को काफ़ी ठंड हो जाती है गाँव में, तो इसीलिए। एक जगह पर पत्थर यूज़ होता है, वो ये एरिया है, उसकी हाइट से, डोर की हाइट से लेके टेरेस तक बीच में इतना है, बाकी पूरा छत नीचे वुड का एरिया है। सेम अंदर वाला रूम भी ऐसा ही है, एक्स्ट्रा वार्म करने के लिए कारपेट लगाया है। सो यस, ये दो कमरे हैं एंड इसके नीचे दो ओबरे हैं,
बस ऐसा ही होता है, छोटा सा पहाड़ी घर। और उन्हीं दो कमरों में आपने जैसे कल वाले ब्लॉग में मेरे देखा कि कैसे सब लोग यहीं पे सब लोग एक साथ सोना प्रेफर करते हैं। एंड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रही हूँ, मतलब मेरे चाइल्डहुड के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो वो ये झूला है जो एकदम आते ही फर्स्ट रूम में है। ये है वो झूला। टिको भी झूलना है गुगु, टिको भी झूलना है, गुगी को भी झूलना है। न्यू जनरेशन, वन मिसिंग। सो ये है वो झूला जिस पे मेरा बचपन बीता है, और मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं, सो इस झूले की बहुत ही ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है। मतलब जो पुरानी जनरेशन थी, मेरे बड़े वाले भैया है उनका, पापा का, दादा का, उससे पहले मुझे नहीं पता कितना पुराना है। एक्चुअल में दादू से पहले वाला ही नहीं है, लेकिन अभी प्रियांशी, परी, मोक्षत, ये सब लोग भी इसी झूले पे झूल रहे हैं। अभी हैरी भी इसी झूले पे झूलेगा। मैं वही सोच रही हूँ कि यार इतनी ज़्यादा याद है इस झूले से, बहुत बहुत पुराना झूला है। ट्रस्ट मी, अभी आके मुझे सब कुछ याद आ गया। हम लोग यहाँ पे मतलब बहुत सारे सेम एज के होते थे, थोड़ी लड़ाई होती थी, मैं। और ऊपर से मेरी कजिन्स नहीं है अभी, मतलब मुझसे बड़ी मेरी चार बहनें हैं और मुझसे छोटी चार है, तो वी आर टोटल 9 कजिन्स लाइक विद इन आवर फैमिली, मेरे चाचू ताऊ की भी बच्चे सारे। एंड अभी सब चले गए हैं, उन सबकी शादी हो गई है, तो मुझे अकेला अकेला फील होता है। अरे मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती हूँ हमेशा, मैं आपको, तो हमारे पास खेलने के लिए ही बच्चे हैं यार, वो अपने बच्चों के साथ खेलती है क्योंकि अब। सो 9 जो मैंने आपको बताया कजिन्स, वो सिर्फ हम बहने हैं, मतलब टोटल कजिन्स मिला के वी आर 18। 9 मेरी बहने हैं, 9 भी क्या, 2 और तो मैं मिस कर दिया, 11 मेरी बहने हैं, हाँ, और 7 मेरे भाई हैं, तो टोटल मिला के हम लोग 18 कजिन्स। एंड आई एम नॉट इंक्लूडिंग माई बुआ की साइड से, इट्स जस्ट अस इन दिस फैमिली, शमेक्स फैमिली। हम लोग बचपन में इतना झगड़ते थे कि मुझे झूलना है, मुझे झूलना है, मुझे झूलना है। आज कोई भी नहीं है, आज सिर्फ मैं ही हूँ। और मुझे उनकी याद आ रही है, अब क्यों नहीं है, वो लोग चले गई, बट ठीक है, नाउ दे हैव देयर ओन फैमिली। मेरी फैमिली तो यही है अभी, ये सब है मेरी लाइफ में। बच्चा मेरा भाई पागल हो गया है। हाय बुई, बोल बुई के चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके पास तकिया है और हमारे पास है नहीं ना, उनके पास है नहीं तकिया, हमारे पास नहीं है तकिया, आप ही के पास है, आप ही के पास रहे, हमें नहीं चाहिए आपकी तकिया। तकिया को बोलता है तकिया। Hi guys. इसको भी दे दो टटिया, तुझे भी चाहिए टटिया। नहीं, आपको चाहिए टटिया, मुझे नहीं चाहिए टटिया।